हेलो फ्रेंड, द गल्फ टेक्निकल में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो किरण इंसिडेंट के बारे में है। जैसा आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं, पहले आप वीडियो देख लें फिर मैं आपको बताता हूं। जैसा ये आप वीडियो देख रहे हैं, किस तरीके से ये पवन चक्की, ये इलेक्ट्रिकल इसको, ये पंखी जो उठाकर इसको लगाना था, ये काफ़ी हाइट पर होता है, तो इसको जब लगाया गया तो इसमें 3-4 प्रॉब्लम है, जैसा आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं, जैसा मैं अभी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ओवर बूम, जैसे अगर हमने ओवर बूम को जब आप किया तो ये भी कारण हो सकता है, पहला फर्स्ट। सेकंड जो है, इसमें हवा, जो विंड स्पीड आप इसमें देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा विंड स्पीड भी है, हवा बहुत ज़्यादा है। जब हो मटेरियल हाइट पर जाने के बाद हवा की वजह से भी क्लॉप्स हो सकता है, गिर सकता है किरण। सेकंड जो चीज़ है, इसने एक फ़ैन उठाया, फ़ैन उठाने के बाद जो हवा का जो टकराव है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, जिसके कारण वो बैक साइड में क्लॉप्स हो गया। उसके बाद जो थर्ड जो चीज़ आता है, जैसा आप लोग जानते हैं कि किरण का जो सरफेस एरिया, अगर आपका किरण का सरफेस एरिया बराबर नहीं होगा तो इस तरीके से भी हादसा होगा। तो मेरा कहने का मतलब यही, आपको ये बताने का यही मकसद है, आप भी कभी ये वीडियो देखने के बाद एक सबक ज़रूर सीखें। कभी भी आप कोई भी लिफ्टिंग करते हैं, या कोई हैवी लिफ्टिंग हो, या क्रिटिकल लिफ्टिंग हो, या आपका जनरल लिफ्टिंग हो, तो सब में आपको ये सावधानी बरतनी होगी। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया 3 पॉइंट, उसके बाद और भी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आते हैं इंसिडेंट के अंदर। अगर मैं इंसिडेंट के बारे में बात करूं तो आपको कभी भी इलेक्ट्रिकल, कभी भी कोई वायर गया हुआ है अगर ओवरहेड में, तो आपको वहां से बूम का भी क्लियरेंस करना होगा, जो 10 मीटर आता है। और भी जैसा जैसा करंट का कैपेसिटी बढ़ेगा, उस तरीके से और दूरी उस बूम को रखना है। उसके बाद आप देखते होंगे मैट के वजह से भी काफ़ी कारणों से किरण पलटी होता है, ओवरलोड उठाने के कारण से भी किरण पलटी होता है, या कुछ बूम टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी किरण में इंसिडेंट होने का ज़्यादा चांस है। तो हम सब इस चीज़ को कैसा रोकेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कभी भी आप किरण लगाने से पहले उस एरिया की जांच करें, उस एरिया को भाफे कि वो एरिया में क्या क्या कैपेसिटी है, कहीं नाला तो नहीं गया हुआ है नीचे से, उस एरिया का कैसा सरफेस है, आपको प्रॉपर जांच करना होगा। जब आप जांच कर लेंगे तो उसके बाद आपका मटेरियल ओवरलोड आप देखेंगे किस रेडियस में क्या कैपेसिटी बन रहा है, हमारा रेंज क्या बन रहा है, कितने हाइट पर मटेरियल हमें लेकर जाना है, तो सारा कुछ आप जब प्लानिंग, एक अच्छा प्लानिंग करेंगे तो आप इसको इंसिडेंट से रोक सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा आप कैसा रोकेंगे, विंड स्पीड कभी भी आपको चेक करना है। जैसे आपको मालूम है कोई साइड पर 35 या 30 या 25 इस तरीके से किलोमीटर पर आवर्स पर यूज़ होता है, अगर इससे ऊपर गया तो आप हाइट वाला जो वर्क है या लिफ्टिंग है आप नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, जैसा सरफेस पर भी ध्यान देना है, उसमें पैड प्लेट कैसा डालना है। पैड प्लेट का अगर मैं बात करूँ, किरण में 4x4 हम लोग डालते हैं, 36 mm 35 mm, हमको अनुसार पे डालना है। अगर कोई एजेस एरिया है, एजेस एरिया जैसा आप देखे होंगे स्लोप एरिया, वहाँ पर हमें आउटरिगर लगाना है, तो वहाँ से हमें कम से कम 3 मीटर एक स्टैंडर्ड होता है, लेकिन 4 मीटर 5 मीटर जितना दूरी हम रखना चाहते हैं हमें रखना चाहिए, उससे जितना हम डिस्टेंस रहेंगे उतना हम सेफ है। आई होप इस वीडियो में आपने समझ गया, अगर समझ गया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक पर।